हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? चलिए फिर हम फिर से मिल गए हैं आपके आज के अगले टॉपिक में। और आज का वीडियो बेटा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है ना, क्योंकि ये जो है वो आपका इस पूरे टॉपिक का लास्ट वीडियो है ना। तो हमने क्या किया है आज आज कुछ चीज़ें मिरर की और लेंसेज की सब कंबाइन होकर मिलेगी, तो ऐसे एकदम से कन्फ्यूज़ नहीं हो जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक। लेकिन पेशेंस के साथ में पढ़िएगा आराम से, ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो लिया है मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्निफिकेशन आप बेटा पहले भी पढ़ चुके हैं, और जब हमने पहले मैग्निफिकेशन पढ़ा था, हमने मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला लिया था, याद करो, है ना। हमने मैग्निफिकेशन किसके लिए निकाला है? स्फेरिकल सर्फेसिस के लिए निकाला है। और जब हमने स्फेरिकल सर्फेसिस के लिए मैग्निफिकेशन निकाला था, हम लिख रहे थे मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट कर रहे थे। क्या लिख रहे थे फॉर्मूला? एच आई बाई एच ओ, यही लिख रहे थे। हाइट ऑफ एच आई क्या था मेरा? हाइट ऑफ दी इमेज, ये किसकी हाइट है? हाइट ऑफ दी इमेज, है ना। और ये एच ओ क्या था? हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। इतना सबको पता था कि एच क्या था? हाइट ऑफ दी इमेज, एंड एच ये वाला एच एच आई हाइट ऑफ दी इमेज, एंड एच क्या है? ये हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट था। इतना क्लियर। इसी को हमने एक और तरीके से लिखा था, दैट इज माइनस वी बाय यू, ऐसा लिख लिए थे। इतना आपने पढ़ा था, आपको याद होगा। ये किसके लिए फॉर्मूला था बेटा? स्फेरिकल सर्फेसिस के लिए, क्लियर। स्फेरिकल सर्फेसिस के लिए ही हम एक चीज और देखेंगे कि बेटा जब हमने अभी स्फेरिकल सर्फेस, पहले तो मिरर पढ़ा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उन सब के लिए हमने क्या निकाला? ये वाला फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम किसके लिए अप्लाई किए हैं? कॉनकेव मिरर के लिए अप्लाई किए हुआ, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सब के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। डन। देखो ये चीज़ हम अप्लाई करके रखें। एक चीज़ और नोट करिएगा, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने अभी सेकेंड टॉपिक हम जब पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था स्फेरिकल सर्फेसिस, है ना, या फिर कर्व्ड सर्फेस का, जिसमें हमने क्या लिया, जब हमारे पास रिफ्रैक्शन पढ़ा, ये किसके लिए पढ़े थे? रिफ्लेक्शन के लिए पढ़े थे। जब हमने क्या पढ़ रहा था? हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ रहे थे स्फेरिकल मिरर के थ्रू, ठीक है, या स्फेरिकल सरफेस के थ्रू, ये रिफ्लेक्शन में लिए हो। जब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन पढ़ा स्फेरिकल सर्फेसिस का, जब स्फेरिकल सर्फेसिस का रिफ्रैक्शन पढ़ा बेटा, तो स्फेरिकल सर्फेसिस के लिए हम क्या लेते हैं? मैग्निफिकेशन लेते हैं, सेम फॉर्मूला, दैट इज वी बाई यू, बट रिफ्रैक्शन है ना, तो रिफ्रैक्शन में अलग अलग मीडियम होता है, याद करो। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़े हो हमने? मैं रिफ्रैक्शन लिख रही हूँ, रिफ्रैक्शन में लिख रही हूँ उसको क्या लिख रही हूँ? स्फेरिक कर्व्ड सर्फेस। रिफ्रैक्शन किसका लिख रहे हैं? कर्व्ड सर्फेस के थ्रू। तो जब ऐसे केसेस में आपको मैग्निफिकेशन निकालना होगा, तो मैग्निफिकेशन अगेन वी बाई यू ही, ठीक। बट यहाँ पे क्योंकि कर्व्ड सर्फेस है, रिफ्रैक्शन है, तो दो मीडियम आ गया, दो मीडियम आ गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा? डेफिनेटली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो v के साथ में क्या आ जाएगा? म्यू वन, और u के साथ में क्या आ जाएगा? म्यू टू। म्यू वन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिस मीडियम से लाइट आ रही है। म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिस मीडियम में लाइट जा रही है। जैसा पढ़े थे सेम टू सेम वैसे ही, बट फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है। अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं तो एक बार एचसीवी देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं उसे भी करा दूंगी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक। अब थर्ड चीज आ जाते हैं हम, ये किसके लिए हो गया बेटा? रिफ्लेक्शन के लिए। किसके लिए हो गया? रिफ्रैक्शन के लिए। अब देखो, अब हमारा क्या आ जाता है? लेंस। लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो लेंस का भी जो मैग्निफिकेशन होता है ना, दैट मैग्निफिकेशन इज, क्योंकि देखो रिफ्रैक्शन ही है, तो भाई रिफ्रैक्शन के लिए जब यहाँ पे v बाई यू आया है, तो यहाँ भी क्या आएगा? v बाई यू ही आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आता है? लेंस के लिए भी जो रिफ्रैक्शन आता है, जो मैग्निफिकेशन आता है, दैट इज v बाई यू, यही रिफ्रैक्शन आएगा। अगर मान लो रिफ्रैक्शन के केस में आपको मैग्निफिकेशन पूछ रहा है और ये दोनों वैल्यू नहीं गिवन है, म्यू वन म्यू टू नहीं दिया, इसका भी फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा? v बाय यू में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। मान लीजिए समटाइम्स अगर ये चीजें यहाँ इस टाइप के न्यूमेरिकल लेंस पूछा है और आपको ये दोनों वैल्यू भी दी है, तो ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज कर सकते हो, बट वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चन इसी बेसिस में आपको पूछता है, क्लियर हुआ।
अब देखो ये चीज एक बार देख लेते हैं कैसे आया, क्योंकि हम तो अभी लेंस पढ़ ही रहे थे। ये तो एक बार समराइज किया मैंने कि अगर रिफ्लेक्शन है तो ये वाला मैग्निफिकेशन, अगर रिफ्रैक्शन है ये वाला मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व द सर्फेस है तब, ठीक लेंसेस हैं तो आप ये वाला मैग्निफिकेशन लेके चलोगे। ये कैसे आया देखो, लेंस हम पढ़ रहे थे बेटा, है ना, लेंस पढ़ रहे हो आप। अगर मान लो क्या होता है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सरफेस हो गया, ये मैंने बना लिया मिरर, सॉरी फिर से मैंने मिरर बोला, लेंस। अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, ऐसी लाइट रह जाएगी, ये लाइट पैरेलल आ रही तो कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी, ये फोकस से चली गई, क्लियर। अब एक लाइट रे कहाँ से जाएगी, एक लाइट रे जाएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये जाके कहीं मिल जाएगी, तो ये बन गया क्या है इसका इमेज, क्लियर हुआ। तो मैं अभी बाकी पैरामीटर्स नहीं लिख रही हूँ, दैट इज नॉट वेरी रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो ये ओ हो गया, ये मान लिया मैंने बी हो गया, ये पॉइंट मेरा ए हो गया, तो ये ए बी क्या है मेरे लिए इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर है, और ये क्या है बेटा उसकी इमेज है, तो ये इमेज उल्टी बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा ए डैश, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा बी डैश, क्लियर। अब देखो अगर आप दो सिमिलर ट्राइंगल ले रहे हो, कौन कौन सा ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल ले लिया ए ओ बी, कौन सा ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल है ए ओ बी, ये वाला, क्लियर। और फिर दूसरा ले लिया ये वाला ए डैश ओ बी डैश, ये वाला, समझ में आया, ठीक। तो एक तो ए ओ बी ले लिया और दूसरा कौन सा ले लिया ए डैश ओ एन बी डैश, क्लियर। जब ये दोनों आप ले रहे हो, आप देखो क्या लिख सकते हो, मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या ए बी, सॉरी मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, तो वैसे ही लिखो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो ए बी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक। तो ये बेस डिवाइडेड बाय ये भी लिख सकते हो, बस सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कंपेरिजन। अब मेरे को ये बता दो कि ये बी ओ क्या है, जल्दी बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या लिखते हो यू, और ये बी ओ बी डैश क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, इमेज के डिस्टेंस को क्या लिखते हो वी, तो बस ये वैल्यू पुट कर दो, बी डैश ओ क्या हो जाएगा मेरा वी हो जाएगा, और ओ बी मेरे लिए क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, और ये क्या है हाइट ऑफ द इमेज है, और ये क्या है बेटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका फाइनल मेरे को क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, क्लियर। ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं इसलिए मैंने डिराइव नहीं कराया, इसके डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, क्योंकि मिरर और लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इन दोनों का डेरिवेशन हमने करके रखा है, क्लियर। अब देखो तो ये फॉर्मूला हो गया, क्लियर हुए तीनों फॉर्मूला, समझ में आया, माइनस वी बाय यू ये वाला फॉर्मूला एंड देन वी बाय यू, क्लियर। चलिए अगर इतना समझ में आ गया हो बेटा तो फिर हम इसके बेसिस में अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना, चलिए ठीक। देखो अब मान लो ये मैंने क्वेश्चन एक्चुअली पहले से लिख के रखा हुआ है आपके लिए ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए, क्लियर है, इज इट विजिबल, ठीक। देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द सिचुएशन शोन, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इमेज का साइज फाइंड आउट करना है, और आपको एक कंडीशन दिया हुआ है नीचे। देखो अब ये सरफेस कैसा दिख रहा है, ये कर्व्ड सरफेस दिख रहा है, और यहाँ पे म्यू वन है और यहाँ पे म्यू टू है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दिमाग में लगाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, भाई सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वही कर्व्ड सरफेस है और म्यू वन म्यू टू दिया है। देखो सबसे पहले दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए ये डायग्राम देखने के बाद कि एक तो ये क्या हो सकता है, कॉनकेव मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, या फिर कर्व्ड सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक। तो जब म्यू वन और म्यू टू दे दिया है मतलब ये रिफ्लेक्शन तो नहीं है, यानी पहला फॉर्मूला नहीं लगेगा, मतलब म्यू वन और म्यू टू दिया मतलब ये रिफ्रैक्शन है, और रिफ्रैक्शन है तो ये लेंस तो नहीं है, तो ये क्या बच गया बेटा, ये सरफेस ही है, क्लियर हुआ, ठीक। इतना समझ पाए ना, ठीक है। तो अब अगर इतना समझ गए तो अब देखो यहाँ पे ये आपको क्या दिया है, फाइंड दी साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस सिचुएशन सोन, इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है। अब जब इसके लिए आप क्या फॉर्मूला पढ़े थे याद करो, कर्व्ड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन के लिए n2 बाय, देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए ना, क्योंकि ऑप्टिक्स जो ये जो टॉपिक है ना बेटा सब फॉर्मूला बेस्ड है। हमने ये वाला फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है, n2 बाय n2 या म्यू टू, जो भी लिखना है म्यू टू
म्यू टू बाय वी, म्यू वन बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ये फॉर्मूला पढ़ के रखे हो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोलोगे, आधे लोग के समझ में नहीं आया, मैडम आपने ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया? देखो क्वेश्चन में क्या, पहले चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे पहले हम इसको पार्टीशन कर दूं मैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या क्या है पहले मेरे को तो ये बता दो। अगर मैं बोलूँ व्हाट आर द गिवन डेटास, तो ये वैल्यू क्या है? देखो म्यू वन क्या है, म्यू वन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? जिस मीडियम से लाइट आ रही है। तो अब बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे ऐसे ही ना जाएगी ऑब्वियसली, तो इस मीडियम से लाइट रे आ रही है और इस मीडियम में जाएगी, तो ये म्यू वन क्या हो जाएगा मेरा? वन, क्योंकि इसी मीडियम से लाइट रे आएगी और इस मीडियम में लाइट रे जाएगी। तो ये वाला कौन सा मीडियम है? जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा? वन। और म्यू टू मेरा क्या हो जाएगा? 1.33, ठीक? क्लियर हुआ इतना? अब देखो म्यू वन जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, कौन से मीडियम से आ रही है? इस वाली मीडियम से आ रही है। कौन से मीडियम में जा रही है? इस मीडियम में। तो जिसका जा रही है उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं हम? म्यू टू लेते हैं, ठीक है? अब तो इतना पता हो गया होगा। यस, देखो यहाँ पे ये 40 क्या है, ये 40 क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो यू क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। माइनस की प्लस फिर से देख के बताओ। देखो ये कैसा है, कर्व्ड सरफेस है ना बेटा। रे का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? देखो पोल से मेजर करते हैं इसमें। ये डायरेक्शन कौन सा है भाई? देखो ऑब्जेक्ट अगर इमेज बनाना भी है तो ये कैसे निकलेगा? ये ऐसे निकलेगी, है ना? ऐसे निकलेगी, चाहे इधर चले जाइए, सॉरी कन्वर्जिंग है तो इधर ही जाएगी, बट रे इस डायरेक्शन में जा रही है। ये मैं चलो यहाँ पे लिख ही देती हूँ, ये कौन सा डायरेक्शन है? रे का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। तो पोल से हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा आपका? निगेटिव आएगा। तो वी क्या, यू क्या हो जाएगा मेरा? निगेटिव आ जाएगा। क्लियर? अब देखो ये सी क्या है, क्या आर बताएगा? सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, या है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कई लोग तो ये सी लिखते हैं और आर लिखते हैं, उसमें भी कंफ्यूज होते होंगे। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ द कर्वेचर, है ना? और आर क्या होता है? आर डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का, इसीलिए ये वैल्यू क्या कहलाती है? आर कहलाती है। क्लियर? ठीक। तो अब आर क्या हो रहा है बेटा? 200। तो 200 नेगेटिव की पॉजिटिव बता दो जल्दी, सॉरी 20 है, 40 है, तो 200 कैसे हो सकता है? इट विल बी 20 ओनली, ठीक है? बाय मिस्टेक लिख गया होगा, समझ में आया इतना? तो ये भी वैल्यू मेरी किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि पोल से इस तरफ मेजर कर रहे हैं और रे इस तरफ जा रही है। क्लियर? देखो अब इतना हो गया। अब फॉर्मूला, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, मतलब एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? वी बाई यू, ये फॉर्मूला लगाओगे। इन टू में क्या लगाओगे? म्यू वन बाई म्यू टू, यही फॉर्मूला लगाएंगे ना हम, अभी तो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है? तो देखो क्या क्या दिया है, म्यू वन म्यू टू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। एक चीज मैं लिखना शायद भूल गई हूँ, इसमें हाइट ऑफ द इमेज गिवन, ऑब्जेक्ट गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये गिवन है, और वो कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मतलब एच ओ आपके पास है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है? यू आपके पास है, म्यू वन आपके पास है, म्यू टू आपके पास है। क्या चीज नहीं है आपके पास? आपके पास एच आई आपको कैलकुलेट करना है, और आपके पास यहाँ पे क्या बच गया बेटा? वी नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमको क्यों जरूरत पड़ेगा? वी कैलकुलेट करने के लिए। यहां से वी कैलकुलेट करोगे और उस वैल्यू को यहाँ पुट अप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हाइट ऑफ द इमेज मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, जिसको समझ में आ गया वो एक बार पॉज करो और आगे खुद से बना के आंसर मैच करना, ठीक है? चलिए अब देखते हैं, मैं सिर्फ वैल्यू पुट अप कर रही हूँ। यहाँ पे म्यू टू क्या आ जाएगा बेटा? म्यू टू आ जाएगा 1.33, वी आपको कैलकुलेट करना है, म्यू वन क्या है? 1, और यू क्या है आपका? -40। यहाँ पे म्यू टू 1.33, यू -1, आर इज इक्वल्स टू -20। क्लियर? तो ये जाएगा 1.33 डिवाइडेड बाय में वी, ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इस तरफ फिर से जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये पहले इधर को लिख लो, ये वाला सॉल्व करोगे तो 0.33 माइनस में डिवाइडेड बाय में 20, ये वाला इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1/40। तो ये आ जाएगा फाइनली 40, है ना? 40 आएगा यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा?
टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1.66, माइनस में क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.33 एन वी। ये कैलकुलेशन मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप फाइनल मुझे करके बताएंगे, वैसे आंसर मैं बता दे रही हूँ, इट विल कम 32 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि देखो नेगेटिव तो कहीं नहीं जा रहा, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1.66, नेगेटिव में क्या आ जाएगा 40, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव साइन कहीं नहीं जाएगा, तो ये वी क्या आएगा, -32 सेंटीमीटर आएगा। अब ये कैलकुलेशन आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ रख रहे हो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो एक बार वी कितना है आपके पास में, तो वी आ गया मेरा -32। यू आपका कितना है, यू है आपका -40। म्यू वन क्या है आपका, म्यू वन इज 1। वॉट इज योर म्यू टू, 1.33 एच आई बाय एच ओ, तो एच ओ तो 1 ही है, तो उसको एज इट इज रहने दो। अब जो भी ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, ये आप इजीली कैलकुलेट करके एच आई मुझे, इसका भी एच आई आप मुझे फाइनल आंसर बताओगे मैसेज करके। ये मैं इनकम्प्लीट इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत लेजी हो गए, ठीक है। 3 दिन हो गया मुझे कुछ वीडियोस डाले हुए, उन्होंने अभी तक वो वीडियोस कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये आंसर मुझे अभी के अभी इसी क्लास के टाइम पे चाहिए, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़े, हम समझ में आया ये वाला मेथड, ठीक। अगर ये समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, अब क्वेश्चन आप खुद से पढ़ो एक बार। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला, पहले तो आगे पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो बात कर रहा है किसकी, जो इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है मतलब भाई, सबसे पहले तो मेरे को कॉन्वेक्स लेंस दिमाग में आना चाहिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर है, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी दी हुई है, 2.0 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ है, क्लियर है, ठीक है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, तो ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसका, 12 सेंटीमीटर। अब देखो, अब कई लोग मेरे से पूछेंगे, मैडम आपने फोकल लेंथ यहाँ क्यों बना दिया, याद करो ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ से रे निकलेगी इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो फोकल लेंथ कहाँ बनाओगे, इसी तरफ ना बनाओगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्या दिया फोकल लेंथ, पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर नेगेटिव फोकल लेंथ देता है तो क्या बनाते, इस तरफ बनाते, क्योंकि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। कन्फ्यूज मत हो जाना भाई, देखो साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव देख के ही फॉर्मूले में पुट करोगे, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन तो छोटा सा ही होगा बट सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक। तो ये एफ की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू आपकी ऑब्जेक्ट का हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर। सब तो दे दिया है, कुछ ऐसा बचा है क्या जो नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है, देखो फॉर्मूला क्या पढ़ी, एच आई बाय एच ओ इज इक्वल्स टू वी बाय यू, लेंस का तो फॉर्मूला यही पढ़े हो, लेंस के लिए तो कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं पढ़े हम, है ना, तो लेंस के लिए हाँ यही फॉर्मूला पढ़े बेटा। अब गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है, एफ कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपका एफ दिया हुआ, देखो ये क्या दिया है, एच आई दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा, 2.0 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, मतलब क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, कितना है, 8 सेंटीमीटर, क्लियर। इतनी चीजें हैं। अब लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को जब तक मेरे पास, देखो इस फॉर्मूले में पुट करना है आपके पास, तो क्या चाहिए, वी चाहिए, यू चाहिए और एच ओ चाहिए, सॉरी एच ओ है आपके पास, वी, देखो इसमें से क्या क्या है, एच ओ है और आपके पास क्या है, U है, बट आपको V चाहिए। जब तक आपके पास V नहीं है, आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज इसके लिए क्या, लेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़े हो, याद करो,
कल की क्लास टेंस के लिए दो फॉर्मूले पढ़े हम। एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा, 1/f = 1/v - 1/u पढ़े ना। तो बस पुट करो फिर, 1/v हमें निकालना है, -1/u, u की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। देखो ये लाइट का डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में हमने क्या मेजर किया बेटा, ऑब्जेक्ट। तो ये लाइट, ये क्या आ जाएगा, u आपका नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, -1/ ये डायरेक्टली मैंने प्लस कर दिया, ठीक। 1/f = 12, तो क्या आ जाएगा, 1/v - 1/8, दैट इज। अब ये कितना आ जाएगा जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। देखो अभी सब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ना, नहीं हुआ कह रहे सॉल्व, बच्चे लोग के जैसे सॉल्व करो। चलो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे लोग, 12, 8 कैसे लेते हो, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 3, 4 × 2 = 8, तो 4 × 3 = 12। ऐसे करते हैं क्या, ऐसा गलती मत कर देना, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 होगा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, 12 × 2 = 24, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा 2, और यहाँ पे क्या जाएगा 8 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, -1/24, दैट इज 1/v। तो v कितना आ जा रहा है आपका, फाइनली -24 आ रहा है, क्लियर। अब v -24 आ रहा है मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी, माइनस डायरेक्शन में, तो भाई माइनस में तो बनेगी ही, हमें भी पता है कि लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है। v कहाँ बनेगा आपका, नेगेटिव इस तरफ बनेगी, लाइट रे यहाँ कन्वर्ज हो रही होगी, है ना। चलिए देखो अब आगे बढ़े, अब जब v -24 आ गया, अब हमें क्या करना है, v का सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट अप करना है इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, hi/ho, v कितना आया, -24, u क्या है बेटा, u है मेरा -8, तो 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, और ho कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट कितना बेटा, 2 cm है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ho डायरेक्टली 6 cm, तो दैट इज माई हाइट ऑफ दी इमेज, क्लियर। तो बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूले ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, मैं कैलकुलेशन जानबूझ के स्लो कर रहा हूँ ताकि आप लोग के, देखो कुछ बच्चों का बेटा कैपेसिटी क्या होता है ना, उनका अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत हाई होता है, वो बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक। लेकिन कई लोगों का, कई बच्चों का कैचिंग पावर ना बहुत ही कम होता है, उन्हें वो ना अगर एक स्टेप भी मिस कर देते हो ना, तो वो क्या होता है नेक्स्ट टाइम ना मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप, बट क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन जानबूझ के छोड़ा है, उसे आप कंप्लीट जरूर करेंगे, क्लियर है। चलिए अब आगे चलें, ठीक है। अब अगर इतना आपको क्लियर हो गया हो, मैग्निफिकेशन का टर्म्स आपको क्लियर हो गया हो, तो हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और ये टॉपिक है हमारा पावर। बहुत सबको पसंद है पावर, किसको किसको लगा है पावर ग्लासेस, सबको लगे हुए ना, बहुत सारे बच्चों को पावर ग्लासेस लग जाते हैं आजकल, खाना भी ना ठीक से करते नहीं हूँ इसलिए, ठीक है। देखो तो पावर हमने मिरर का भी छोड़ रखा है और लेंसेज का भी छोड़ रखा है, हमने दोनों पावर कंप्लीट नहीं किया है। देखो पावर होता क्या है बेटा, पावर क्या होता है, किसी का भी कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग, किसी भी लाइट रे को कन्वर्ज करने की एबिलिटी बोल दो, या फिर लाइट रे को डाइवर्ज करने की एबिलिटी, क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। द कन्वर्जिंग एबिलिटी और द डाइवर्जिंग एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है, किसी भी लाइट को कन्वर्ज करने की कितनी क्षमता है, वो क्या कहलाता है, हमारा पावर कहलाता है। समझ में आया, क्या बोल सकते हो, एबिलिटी टू कन्वर्ज और एबिलिटी टू डाइवर्ज, कितना लाइट को कन्वर्ज कर सकते हैं या कितना लाइट को डाइवर्ज कर सकते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, ठीक है। देखो मैंने, अगर हम पावर लिखें यहाँ पे पावर, तो ये क्या होता है बेटा, 1/f फोकल लेंथ, ये क्या होता है 1/-f या -1/f, क्लियर हो। देखो f क्या है, फोकल लेंथ, यहाँ पे भी f क्या है, फोकल लेंथ, मतलब पावर और फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये कैसे हो गया, देखो डायग्राम थोड़ा सा समझो, ठीक है। मान लिया हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे एक स्फेरिकल लेंस है, ठीक है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तुम्हारा, ये लाइट रे आ रही है,
मान लो अगर इसका फोकल लेंथ कम है, यहाँ तक ही है, तो देखो ये इतना कन्वर्स कर रही है, मतलब ये ठीक है इतना कन्वर्स करी। अब मान लो दूसरी कोई लेंस है तुम्हारे पास, ठीक, ये मान लो ऐसी लेंस है, इसका फोकल लेंथ यहाँ पे है, इसका फोकल लेंथ यहाँ पे है, तो ये लाइट रे आ रही है, अब ये ऐसे कन्वर्स कर रही है उसको, ये ऐसे कन्वर्स कर रही है क्योंकि पैरेलल आ रही है, सारी लाइट रे कहाँ से जाएंगी, फोकस से ही जाएंगी। तो अब इस दोनों डायग्राम को देखो, इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा कन्वर्जिंग लग रहा है तुम लोगों को? देखो ये वाला जैसे जैसे ही लाइट रे यहाँ पास करी तुरंत ही कन्वर्ज हो गई, मतलब कन्वर्जिंग टाइम इनका बहुत कम लगा। इसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे यहाँ का डिस्टेंस देखो, फोकल लेंथ ये देखो, ये क्या बोलते हो, इसको बोलते हो फोकल लेंथ, इसको क्या बोलते हो, फोकल लेंथ। तो इस वाले लेंस के लिए देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस कंडीशन में ज़्यादा आएगा या इस कंडीशन में कम आएगा, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्या हो रहा है और अगर कम आ रहा है तो क्या हो रहा है। ज़्यादा अगर फोकल लेंथ है तो खुद देखो, फोकल लेंथ ज़्यादा मतलब लाइट जो आ रही है उनको कन्वर्ज, वो आराम से कन्वर्ज हो रही है ना। इसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। कम है मतलब इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है कन्वर्ज होने के लिए। यहाँ पे देखो फोकल लेंथ कम है, मतलब एक लाइट रे क्या कर रही है, ईजिली कन्वर्ज कर दे रही है, कि जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है। इसको कन्वर्ज करने में क्या लग रहा है? ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मतलब फोकल लेंथ क्या है बेटा? पावर के या कन्वर्जिंग कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, तो बस इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में ही पावर को हम क्या लिख देते हैं, 1/f लिख दिया जाता है। क्या लिख देते हैं हम? 1/f लिख देते हैं। वे वॉट इज f? f इज दी फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, मिरर का फोकल लेंथ होगा। क्लियर है? अब देखो कन्वर्जिंग लेंस का जो पावर आता है, अब लेंस तो हम दो ही टाइप के लगाते हैं, या तो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। मिरर भी या तो कन्वर्जिंग होगा या फिर डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, तो अगर मेरे पास मान लो लेंस है कन्वर्जिंग, तो ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है बताओ, ये बैंड होके यहाँ पे मिलती है। ये वाला फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव फोकल लेंथ है। ठीक, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस होता, ये मेरे पास कॉनकेव लेंथ होता, तो क्या होता, लाइट रे ऐसे आती, ये लाइट रे ऐसे आती, और ये क्या हो जाती बेटा, यहाँ से डाइवर्ज हो जाती। तो ये यहाँ बैक साइड पे मिलती हैं। अब इतना तो पढ़ चुके हो और इतना आपको आता भी है, तो ये फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव फोकल लेंथ है। ये फोकल लेंथ क्या है मेरा? नेगेटिव फोकल लेंथ है। तो मतलब कन्वर्ज, ये देखो ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कन्वर्जिंग लेंस का जो पावर आता है, कन्वर्जिंग लेंस का, कन्वर्जिंग पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस क्या आता है हमारा? पॉजिटिव आता है। देखो खुद f क्या रहा है? पॉजिटिव। तो जब यहाँ रखोगे f तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव f आएगा। ठीक, पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस का पावर क्या आ रहा है? खुद देखो ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसका f क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव आ रहा है f, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, ये डायग्राम नहीं दिख रहा था क्या पहले? यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लेंस लिया, लेंस में लाइट रे पैरेलल आई तो फोकस से जाती हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस में लाइट रे पैरेलल आती हैं तो डाइवर्ज हो जाएंगी, ये यहाँ पे मिलेगी, ये वाला फोकस नेगेटिव फोकस, ये वाला फोकस पॉजिटिव फोकस। तो जब कन्वर्जिंग लेंस का फोकस पॉजिटिव आ रहा है तो उसके लिए पावर क्या आएगा? पावर पॉजिटिव आएगा क्योंकि यही वैल्यू पॉजिटिव है। इसके लिए जब डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकस क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो उसके लिए पावर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक, तो कभी कभी ऐसा बुक में लिखा रहता है, दी पावर फॉर दी कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव एंड दी पावर फॉर द डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। तो यहाँ देख के एकदम ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन से लैंग्वेज में बात कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ फोकल लेंथ का डायरेक्शन देख रहा है ना। फोकल लेंथ का डायरेक्शन देखोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब मिरर का देख लेते हैं। ठीक है, तो मिरर के केस में बेटा, मिरर के केस में भी सेम वैसी चीज होने वाली है। ऐसा मत बोल देना कि भाई मिरर है तो मिरर के केस में कन्वर्जिंग मिरर के लिए नेगेटिव आएगा और डाइवर्जिंग मिरर के लिए कुछ और आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे भी अगर हमारा कन्वर्जिंग मिरर है तो हमारा पावर क्या आएगा?
पॉजिटिव ही आएगा, और अगर डाइवर्जिंग मिरर है तो भी हमारा पावर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। देखो उसको बैलेंस करने के लिए तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाया गया है, ठीक है। कैसे होता था, अगर ये कॉनकेव मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, याद करो, क्योंकि लाइट रे ऐसे आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस टकराएगी, कहाँ जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी फोकस से, पैरेलल आ रही तो फोकस से जाती थी ना, ये डायरेक्शन कौन सा, नेगेटिव डायरेक्शन, क्लियर। फिर ये भाई देखो पैरेलल आ रही है ऐसे जाएगी, पैरेलल आ रही है ऐसे जाएगी, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कैसा इमेज है, कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर के लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। जब नेगेटिव को यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी पावर की, पॉजिटिव आ जाएगी, यानी पावर फॉर कन्वर्जिंग मिरर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक। सेम वैसी अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होता तो ये लाइट रे ऐसे आती, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती, ये लाइट रे ऐसे आती, ऐसे डाइवर्ज हो जाती, है ना। तो ये लाइट रे यहाँ कहीं मिलती बैक साइड पे, यहाँ इमेज बनती, तो ये क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और ये लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकस क्या आ रहा है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव यहाँ रखोगे तो ये पावर क्या आएगा डाइवर्जिंग लेंस का, पॉजिटिव, नेगेटिव ही आएगा, तो पावर फॉर डाइवर्जिंग, है ना। तो बेटा मतलब ऐसा है, सॉरी इसको पूरा लिख लेते हैं, दैट इज डाइवर्जिंग। तो मतलब चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों दिख रहा है क्या आपको, एक बार कोशिश करो, देखो दोनों अगर डायग्राम आपको दिख रहे हैं क्या अच्छे से, चाहे हमारे पास लेंस हो चाहे हमारे पास मिरर हो, हमारा अगर कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए और कन्वर्जिंग मिरर के लिए, दोनों के लिए हमारा पावर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और कन्वर्जिंग अगर और जो अगर डाइवर्जिंग लेंस है डाइवर्जिंग मिरर है तो दोनों के लिए पावर क्या आता है बेटा, हमारा नेगेटिव पावर आता है, क्लियर। फॉर्मूला को माइनस प्लस क्यों किया गया है, सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए, ये जो माइनस लगाया गया है ना, ये देखो पावर तो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर ये माइनस साइन क्यों लगाया गया, सिर्फ इस साइन कन्वेंशन को प्रूव करने के लिए और कुछ नहीं, समझ में आई चीज, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़े, चलिए फिर देखते हैं आगे, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं डाले हैं इस टॉपिक के, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स आई गेस नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, वैसे इसके न्यूमेरिकल्स आपको करने की जरूरत नहीं, 1/f है बेटा फोकल लेंथ, आप निकाल ही सकते हो, सिर्फ रिवर्स में आपको वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी, ठीक। तो एकदम से ऐसे हेक्टिक टाइप का नहीं आएगा आपको, देखो क्वेश्चन कैसे लिंक करेगा, क्वेश्चन लिंक कर सकता है आपका लेंस फॉर्मूला के साथ में, कि डायग्राम पूरा बना के दे दिया, लेंस फॉर्मूले में यू और वी दे दिया, वहां से आपको एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एफ कैलकुलेट कर लोगे तो उसका रिवर्स करके आपको पावर मिल जाएगा। तो कोई बहुत बेसिक सा या बहुत एकदम एग्जॉस्ट टाइप का न्यूमेरिकल इसके नहीं बनते हैं, क्लियर। अगला जो टॉपिक देख रहे हैं, अगर वो आपके समझ में आ गया होगा बेटा, तो हम आपका अगला टॉपिक देखते हैं, है ना। और ये टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, लेंसेस है। देखो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, जैसे हमने पहले पढ़ा है बस वैसा ही है, थोड़ा इजी टॉपिक ही है। देखिए क्या होता है इस टॉपिक में, मान लिया अगर हमारे पास दो लेंस हैं, जैसे मान लीजिए एक लेंस मेरे पास, ये मेरा पहला लेंस हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, सेकंड लेंस हो गया, बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है, दोनों लेंसेज जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मान लिया अगर यहाँ पे लाइट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में अभी तक इतना कॉन्सेप्ट तो समझ गए हो ना, कि पहले सरफेस से जो इमेज बनेगी वो सेकेंड सर्फेस के लिए कैसे काम करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, इतना तो क्लियर हो गया है, ठीक। अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे चलिए, देखिए मान लीजिए यहाँ से लाइट रे निकल रही है, ये लाइट रे निकली यहाँ गई, ये वाला सरफेस क्या है बेटा, कौन सा मिरर है, ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है आपका कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगा इस लाइट रे को, ये जो लाइट रे आ रही है ना, इसको ये पुलेगा कि डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा और इस डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइट रे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए तो क्या लगेगा, अगर इस सरफेस से देखोगे तो लगेगा इमेज कहाँ बन रही होगी, क्योंकि लाइट रे ऐसे जाती तो ये लाइट, ये इमेज बन रही होगी यहाँ पे, क्लियर। क्योंकि लाइट रे ऐसे आ रही है, ये मिरर क्या करना चाहेगा, उसको डाइवर्ज करना चाहेगा, मतलब ये मिरर इसको ऐसे भेजना चाहेगा, है ना, डाइवर्ज कर देगा। तो जब डाइवर्ज करेगा तो देखने वाले को क्या लगेगा कि लाइट रे यहां से नहीं आ रही है, इस डायरेक्शन नहीं आ रही, इस डायरेक्शन से आ रही, यहां कहीं से, तो यहां पे लगेगा उसको इमेज है, क्लियर। अब देखो ये, लेकिन जैसे ये डाइवर्ज होने की कोशिश करेगी, ये कौन से सरफेस पे एंटर कर जा रही है, इस मिरर में, और ये मिरर कौन, इस वाले लेंस में, और ये लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है,
तो ये लाइट रे को क्या कर देगा बेटा, ये लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा। कहाँ पे कन्वर्ज कर देगा, फोकस के आसपास, या डेफिनेटली फोकस पे, नहीं तो कहीं और कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि ये पैरेलल तो है नहीं कि फोकस पे जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट रे को कहाँ कर देगा, कन्वर्ज यहाँ कर देगा। तो समझ में आएगा फाइनली कि जो इमेज, एक्चुअल फाइनल इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये मेरा ये इनिशियल, जब इस सरफेस के लिए बात कर रहे तब इमेज यहाँ बनी, और सेकेंड जब इस सरफेस के लिए बात कर रहे थे तब इमेज यहाँ बनी। क्लियर हुआ, ठीक। अब अगर इतना क्लियर हो गया तो आप लोगों ने फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़े हो, लेंस फॉर्मूला याद करो भाई। लेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ लिया, लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है 1/v - 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला हमारा लेंस का। अब इसको हम दोनों के लिए लगाएंगे, इस बार एक बार इस लेंस के लिए, एक बार इस लेंस के लिए, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट लेंस के लिए लगा रहे हैं, फर्स्ट वाले लेंस के लिए, तो देखो 1/v, वी किसका डिस्टेंस है, इमेज का, वी किसका डिस्टेंस है, इमेज का। चलिए डिस्टेंस पहले सपोज कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसको मैंने क्या मान लिया, यू, ठीक। ये फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज के डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं बेटा, वी। ये इंटरमीडिएट इमेज है, इसके डिस्टेंस को मैं क्या मान रही हूँ, वी डैश, ठीक है। समझ में आया, ठीक। तो ये वाला कौन सा, फर्स्ट वाला मिरर है, फर्स्ट वाला लेंस है। तो फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज बन रही है वो कौन सी इमेज है, ये वाली इमेज है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिखोगे, वी डैश। फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यू पे। फर्स्ट लेंस के लिए फोकस क्या होगा, F1, ठीक है। कौन सा लेंस है जल्दी बता दो, चलो अभी छोड़ दो डायरेक्शन, अभी इतना तो रख लिए। देखो तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर वन। अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड लेंस के लिए आप फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो सेकेंड लेंस के लिए इमेज कहाँ बन रही है, वी पे, तो वी रख दिया। सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है कि ये है, ओ डैश है ना, क्योंकि पहले लेंस का ये क्या बना है, इमेज। तो पहले लेंस का जो इमेज होगा वो सेकेंड लेंस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब तो इतना समझ ही गया हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू। अब कुछ नहीं, अब दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1/v - 1/u + 1/v - 1/v - = 1/f1 और +1/f2। क्लियर हुआ, दोनों को ऐड कर दिया, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जा रही, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बच गया, 1 - v, 1 - u, 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। क्लियर। अब मेरे को ये बता दो, ये जो 1/v - 1/u है, ये क्या पढ़े हो तुम लोग, कौन सा फॉर्मूला है ये, यही तो लिख के रखे हो यहाँ पे, यही लिखे हो ना, तो ये 1/f ही तो है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/f, और यहाँ साइड में क्या है, f1 + f2। मतलब कभी भी अगर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिया है और वो दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो उनका फोकस कंबाइंड फोकस या इक्विवेलेंट फोकस क्या हो जाएगा, 1/f1 + 1/f2, पहले वाले का फोकस और दूसरे वाले का फोकस। क्लियर हुआ, ठीक, इतना समझ में आया। तो ये फॉर्मूला हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में यूज करना है, ठीक है। प्लस सेकेंड चीज देखो, इसके बाद में 1/f अभी क्या पढ़े, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े, याद करो, पावर पढ़े हो, तो ये 1/f क्या हो जाएगा बेटा, पावर, तो पावर ऑफ फाइनल पावर है ये, या इक्विवेलेंट पावर बोल दो, तो इक्विवेलेंट पावर विल बी इक्वल्स टू P1 + P2। और सिर्फ ऐसा, सिर्फ दो के लिए नहीं होगा, इसको प्लस करके डैश डैश करके आगे भी कर सकते हो आप, जितने भी आपको जोड़ दिया जाए, और सबके बीच का अगर डिस्टेंस जीरो है तो इक्विवेलेंट पावर विल बी P1 + P2 + P3, जितने भी लेंस आ गए, ठीक। वैसे ही 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4, ऐसे चलते जाएगा ये। क्लियर हुआ, तो ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए दो बेसिक फॉर्मूले, इन दोनों बेसिक फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लेंस फॉर्मूला ही है, क्लियर है। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस में न्यूमेरिकल बन सकते हैं। देखिए चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही लिया हुआ है, ये आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज।
क्या फाइंड आउट करना है आपको, पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है, इमेज की पोजीशन, की इमेज कहाँ बन रही होगी। दो लेंस दिए हुए हैं, दो नहीं एक्चुअली तीन लेंस दिए हुए हैं, मैंने शायद फिर से गड़बड़ कर दिया, तीन लेंस है। यहाँ पे 10 मीटर के डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक लेंस और है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन लेंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, क्लियर। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन फाइंड आउट करनी है, फाइंड कि फाइनली इतने लेंसेस होने के बाद में आपका इमेज कहाँ बन रहा होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज लेंस का क्वेश्चन नहीं है, कैसे पता चल रहा है भाई, सब अभी दूर दूर हैं, है ना। वैसे तो उसके भी डिस्टेंस वाले के भी कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के लेंस के क्वेश्चन बनते हैं, बट वो हमारे लेवल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए बेटा, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ना डायग्राम बनाने में कॉन्सेंट्रेट करना, जो वैल्यू आएगी बस पुट करते जाना और सॉल्व करते जाना, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं कि भाई डायग्राम, मैम डायग्राम बनाएंगे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसा कुछ नहीं। डेटा देखते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर निकालो। लेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आई गेस, नहीं भी याद हुआ होगा तो अभी तक याद हो गया होगा बस, ठीक है। पहले आप फर्स्ट सब लेंसेज के लिए एक बार लगाते जाओ, क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, कुछ दिया ही नहीं है उसमें, है ना। जो भी है सब डायग्राम में है। क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर लिखें, तो फर्स्ट केस में ये फर्स्ट लेंस है आपका, इसके लिए U कहाँ बन रहा है, देखो इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए जो U है वो कितना है, 30 की माइनस 30, ये रे का डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन क्या है, माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 1/v, नहीं पता मुझे U क्या हो जाएगा, माइनस 30। अब मैं वैल्यू डायरेक्टली रख रही हूँ, ठीक है, इसके लिए U क्या होगा, माइनस 30। V क्या है, दिया है क्या, नहीं दिया, निकालना है। F कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की वैल्यू तो मैंने लिखी ही नहीं। चलिए सपोज कर लीजिए, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का फोकल क्या होता है, पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, अब इसका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो 1/10 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/10, ये दोनों आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज 1/10, और ये वी, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा आपका 3 - 1, दैट इज 2/30, 1/v, है ना। तो ये फाइनली v आपका क्या आ जा रहा है, यहाँ पे v की वैल्यू आ जा रही है मेरी 15 सेंटीमीटर, ये मेरी आ गई पहली वैल्यू इमेज की। तो पहला इमेज यहाँ, पहले जो लेंस है उसका इमेज प्लस 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक। तो अब मेरे को ये बताओ, प्लस 15 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, प्लस 15 सेंटीमीटर होगा, ये इमेज है, ये पॉजिटिव, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, प्लस 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर कहाँ होगा, इसके इस तरफ ही कहीं होगा, तो यहाँ कहीं ही बन रहा होगा उसका इमेज, ठीक है। तो अगर लोकेट करना पड़े तो ऐसे लोकेट कर सकते हो, अदरवाइज हमें उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखो फाइनली हमारा इतना हो गया, तो अब हम सेकंड केस सॉल्व करते हैं बेटा। सेकंड केस कैसे सॉल्व करोगे आप, जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया एज इट इज, ऐसा ही सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u, ये फॉर्मूला होता है ना। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1/f इसका फोकल लेंथ क्या है, 1/-10 है, 1/इमेज, इमेज का डिस्टेंस मुझे निकालना है, u क्या हो जाएगा। अब देखो सेकेंड लेंस यहाँ पे रखी है, ठीक है, सेकेंड लेंस यहाँ पे है, और फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज बना हुआ है, जैसे मैं बोल दूँ तो यहाँ कहीं 30 डिस्टेंस पे ही उसका क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे उसका क्या बना हुआ है, इमेज बना हुआ है भाई, 10-15 सेंटीमीटर पे बना हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब लेंस यहाँ पे है, लेंस यहाँ है, तो यहाँ ये उसके लिए क्या करेगा, ये फर्स्ट वाले का क्या है, इमेज है, तो ये सेकेंड वाले लेंस के लिए कैसे काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो ये इस लेंस से कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/-10, ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10,
और ये हो जाएगा 1 बाय वी, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, दैट 1 बाय वी इज कमिंग 0, तो 1 बाय वी कमिंग 0, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, v कितना आ जाएगा हमारा, इन्फाइनाइट आ जाएगा। मतलब इस लेंस का जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा होगा, इन्फिनाइट पे बन रहा होगा। आप थोड़ा सा जज भी कर सकते हो, सोचो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, यहां से लाइट रे पैरेलल निकाल ली, पैरेलल निकालो एक लाइट रे, ये क्या करेगा, पैरेलल वाले को डाइवर्ज करेगा, है ना, तो डाइवर्ज करके ये इस तरफ भेज देगा, ये लाइट रे ऐसे गई डाइवर्ज हो जाएगी, इधर कहीं आ जाएगी, भाई ये लाइट रे ऐसे गई है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरफ कहीं मिलना चाहेगी, तो सेम वैसे ही ना बेटा, इस इसका एक्चुअली ऑब्जेक्ट आप इस तरफ जैसे यहाँ पे रहता तो इस तरफ इमेज बनता, वैसे इसका आप इमेज बना के एक बार जज कर सकते हो, बट उतना करने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा वैल्यू देखना और वैल्यू पुट करते जाना, इमेज में मत जाना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तीन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है ना, तो अगर यहाँ से लाइट रे लेके जाओगे तो फिर ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगी तो ये कहीं और चला जाएगा, ठीक। तो इसलिए ऐसे में आप सीधा सीधा क्या करना, सॉल्व करना। अब हम थर्ड केस देख लेते हैं, थर्ड केस मतलब ये वाला। तो इसके लिए देखो, इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाओगे, 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। अब इसका फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है, वी 1 बाय वी, वी इसके इसके लिए वी कहाँ है, इन्फिनिट पे बना हुआ है, तो ये वी इन्फिनिटी पे है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, सॉरी ये 1 बाय वी हमें कैलकुलेट करना है। इस सेकेंड वाले का इमेज कहाँ बना है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज का ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 1 बाय वी माइनस जीरो एंड 1 बाय 30, तो वी फाइनली क्या आ जाएगा आपका 30, तो ये 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, क्लियर है। तो वी फाइनली कहाँ बन जाएगा बेटा आपका, 30 सेंटीमीटर पे। कुछ समझ में आया, यहाँ पे हौच पौच हो रहा है क्या, एक बार फिर से देखो, इसकी फोकल लेंथ 30 दिया हुआ है, इमेज का डिस्टेंस हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, इस वाले का जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका इमेज क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो वही इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो 1 बाय इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और ये फाइनली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इतना आपके समझ में आया हो तो इसके बेसिस में आप क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे, ठीक। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम बायो वालों का फेवरेट टॉपिक लेके चलेंगे और वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।